न्यू टॉपिक है ये, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। ये उसकी पूरी लिस्ट है, एक बार देख लो। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। ये स्टार्टिंग की जो 5 पॉइंट्स हैं जो हमने किए हैं, इन सबके सिंगल सिंगल चैप्टर्स हम कर चुके हैं। इनकॉम्पिटेंट पर्सन मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में रिकंशन वाला, ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल हमने लास्ट क्लास में किया था, देखो कंसिडरेशन वाला टॉपिक भी किया है हमने। इसके बाद की जो लिस्ट है एग्रीमेंट्स की, इसके बाद की जो लिस्ट है, एक सेकेंड, ये इतने जितनी ये भी जो 1 to 5 लिस्ट है, इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने किए। अब यहाँ से देखो 6 to 12 ये हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। अब मैरिज वाला कल किया था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अब करेंगे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये लिस्ट याद रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे से कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। क्लियर है, विजिबल है सबको लिस्ट? हाँ यस मैम। अब मैडम मैम वो मैरिज वाला एक बार और समझा दो ना। ये फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना है फिर से, ठीक है? रुको बता रही हूँ। यस मैम। व्हाइट बोर्ड क्लियर है? यस मैम। तो पहला है अपना एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो मैरिज में पहली चीज ये आती है, सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? इसको डिफाइन किया है सेक्शन 26 किसके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये बोलते हैं जो भी एग्रीमेंट जिसको शादी करने से अगर हम रोकते हैं किसी को, लेकिन माइनर को छोड़ के, तो वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट उस पर्सन की नेचुरल फ्रीडम के साथ इंटरफेरेंस है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस विथ द नेचुरल फ्रीडम ऑफ द पर्सन, ये एक बेस मान के चलता है गवर्नमेंट, इसलिए इसको वॉइड किया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में इसको इंक्लूड किया। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, अगर हम इसमें रिस्ट्रेंट या तो जनरल भी हो सकता है या फिर पार्शियल भी हो सकता है, जो रोक रहे हैं या जो हम मना कर रहे हैं सामने वाले को शादी करने से, या तो वो जनरल ओवरऑल भी हो सकता है या पार्शियल, मतलब करो सब। इसमें एग्जाम्पल्स हम लेके चल सकते हैं, जैसे ये लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज होते थे, तो फिर जब ऑनर किलिंग्स वगैरह होने लग गई तब उसके बाद से ये एग्रीमेंट आया था, या फिर जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोग, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए या किसी के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं करें, इसलिए ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आया था। सेकेंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इससे क्या समझ रहे हैं आप, किसी को व्यापार करने से या बिजनेस करने से रोकना, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। किसी को काम करने से रोकना या कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने से रोकना, उसमें वो आता है किसमें, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और ये एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, ऑल सिटीजंस, ठीक है, जितने भी नागरिक है इंडिया के, हैव द इक्वल राइट, कि वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं या ट्रेड कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। तो एवरी एग्रीमेंट या कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो उसको रिस्ट्रेंड कर रहा है किसी काम को करने से, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, पहले क्या होता था, जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे प्री ब्रिटिश एरा में,
तो वो लोग क्या करते थे, एक डील साइन करते थे कि तुम इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करोगे, मैं इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करूंगा, तुम मेरे एरिया में नहीं आओगे, या फिर लड़ाई वगैरह हो जाती थी। तो ऐसा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे तो वो होता था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कोई भी कहीं पर कभी भी कुछ भी बिजनेस कर सकता है और किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है। एक कास्ट, एक एग्जाम्पल में ये बोल सकते हैं, एक कास्ट सिस्टम को इससे कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम में क्या होता था, उसको फोर वर्णास में डिवाइड करता था कि तुम्हारा काम ये है कि तुम स्लेव्स बनकर ही रहोगे, ऐसे ही काम करोगे तुम, ये इसका काम है, तो वो डिवाइड कर दिया था काम। तो उसके बेस में ये एक बना था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जिसमें वो मना करते थे उनको काम करने से। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, सिंपल सा। एम और आर समझो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों राइवल शॉपकीपर्स हैं। तो आर क्या कर रहा है, सफर लॉस कर रहा है, किसकी वजह से, एम उसको कंपटीशन दे रहा है। तो आर एग्री करता है कि वो अगर एम अपना उसमें बिजनेस क्लोज करता है इस लोकैलिटी में, तो मैं तुमको एक पर्टिकुलर अमाउंट दूंगा। तो एम अपना क्लोज दिस बिजनेस, बट आर फेल टू पे। तो एम, तो आर ने एम को बोला, तो एम मान जाता है, ठीक है मैं अपना बिजनेस यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लेता हूँ, तो तुम मुझे इतना पर्टिकुलर अमाउंट पे करना। लेकिन बाद में क्या हो गया, समझो आर मुकर गया उस चीज से, तो अब एम उसके ऊपर केस ही नहीं कर सकता आर के ऊपर, क्योंकि ऐसा ये कोई एग्रीमेंट है इस टाइप का कि तुम, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है इसलिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तो मैं तुमसे पैसे ले लूंगा, तो मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा, और आर का भी इतने कैपेबल में ही नहीं है कि वो उसको पैसे दे सके। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट आपने किया है कि किसी को कोई व्यापार नहीं करने दे अपने प्रॉफिट के लिए पर्सनल, तो भी ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मतलब शून्य, मतलब जीरो एग्रीमेंट होता है ये। तो इसके ऊपर किसी को कोई रेमेडीज अवेलेबल नहीं होंगी। तो बहुत सारे इसके होते हैं, इसमें ना एक कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सपोज गुडविल, कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें ये एग्रीमेंट काम नहीं आएगा। तो पहला जो इसमें आएगा उसको मैं डिफाइन करूंगी स्टेच्यूटरी एक्सेप्शन में। स्टेच्यूटरी एक्सेप्शन में के अंदर मैं फर्स्ट दूंगी, देखो इसी के अंदर ही रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन की मीनिंग बताइए पहले मेरे को, आप लोग बताइए एक्सेप्शंस क्या होता है। मैम मतलब इसको ना करके उसको वाला रहता है, जो मतलब जस्ट अपोजिट, जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ये जो मैं दो कंडीशन बता रही हूँ, ये स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन के अंदर जो मैं तीन बताऊंगी, इनके अंदर अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया कि वो सामने वाले को कोई काम करने से रोक रहा है तो वैलिड हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, एक्सेप्शन का मतलब क्या हो जाता है, हमेशा उसका अपोजिट। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी जिसमें ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया है और वो वैलिड होगा। तो पहला एग्रीमेंट है इसमें सेल ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल, गुडविल वर्ड बहुत कॉमन है कॉमर्स के रिलेशन। हाँ मैम रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन, अगर कोई पर्सन अपना गुडविल सेल कर रहा है दूसरे को, देखो सेल ऑफ गुडविल क्या होता है, अपना गुडविल बेचना। तो मार्केट में कोई पर्सन है उसका बहुत जमा जमाया पुराना बिजनेस है, तो दूसरा पर्सन भी उस बिजनेस को कैरी करना चाहता है। तो ए जिसका ये बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड है वो बी को अपने गुडविल सेल करेगा, मतलब उसको अलाउ कर रहा है कि तुम इसी नाम से अपना एक शॉप खोल लो, बट एक कंडीशन रखेगा कि इस लोकेलिटी में मत खोलना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स बने हुए हैं। अगर तुम इसी नाम से सेम अगर करोगे तो कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरे को इतना प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। तो मैं तुमको अलाउ तो कर रहा हूँ कि तुम बिजनेस स्टार्ट करो, मैं आपको अपना गुडविल भी सेल करने के लिए रेडी हूँ। गुडविल क्या है, उसके नाम, उसके दुकान का नाम या उसका जो शॉप होगा उसका जो ब्रांडिंग होगा, तो वो उसको अलाउ तो कर रहे हैं, बट तुम उस पर्टिकुलर एरिया के दूर रह के करोगे। मतलब खोलो तुम शॉप और प्रॉफिट अर्न करो, बिजनेस करो, बट उसको दूसरे एरिया या दूसरे लोकेलिटी में करो, तो वो होती है सेल ऑफ गुडविल। जैसे केएफसी वगैरह के स्टोर्स होते हैं ना, मैकडॉनल्ड्स वगैरह के, तो उसके जो ओनर था उसने क्या की, अपनी फ्रेंचाइजी सेल की। तो अब उसकी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर वर्ल्ड में ली जाती है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है।
देखो अब दुर्ग और रायपुर का एग्जांपल ले लो कि दुर्ग में मैकडॉनल्ड नहीं है और भिलाई में, लेकिन रायपुर में रीजन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, फ्रेंचाइजी सेल करने का मैकडॉनल्ड्स वगैरह का, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इतने पॉपुलेशन के बीच में इतना ही खुलेगा तो उसका पॉपुलेशन का डिमांड होगा 20 लाख या 30 लाख, तो इसलिए अभी तक वो एक ही है उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे ये एज्यूम किया जाता है फिलहाल सीजी में कि दुर्ग की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, रायपुर की तो उससे और ज्यादा होगी, तो सोचो अभी भी उसका पॉपुलेशन क्राइटेरिया को कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जैसे KFC वगैरह है तो उसका भी यही रहता है कि 1 लाख के पॉपुलेशन के अंदर एक ही रहेगा, दो नहीं खुल सकते। क्लियर है? यस मैम। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सर्टेन एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 में एक्ट दिया गया है कि पार्टनर प्रॉमिस करते हैं कि जो उनका फर्म का बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो एक साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आए हैं, तो वो ये वाला बिजनेस किसी और के साथ कैरी नहीं करेंगे। कौन से पीरियड में, जितने पीरियड तक वो पार्टनर्स हैं, जितने पीरियड तक वो लायबल हैं, उतना पीरियड तक, मतलब उतना टाइम लिमिट तक, या जब तक पार्टनरशिप है तब तक ये बिजनेस आप किसी और के साथ नहीं करेंगे। ये होता है सर्टेन एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स। थर्ड देखो, एग्रीमेंट बाय मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस ये क्या होती है बताइए, ट्रेड यूनियंस क्या है? यूनियंस होती हैं जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में जो लेबर्स काम करते हैं उनका जो हेड होता है, उनका जो प्रॉब्लम्स को जो सुनता है, तो वो यूनियंस होती हैं, ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा जो साइन करवाया होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया का तुम ये बिजनेस नहीं करोगे और तुम ये वाला फॉलो नहीं करोगे, तो इनके एग्रीमेंट्स भी वैलिड होते हैं। जुडिशियल डिसीजंस, पहला है इसमें सर्विस एग्रीमेंट। अगर हम किसी के एज अ जॉब सर्विस के लिए बाइंड हो रहे हैं तो हम उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम 2 या 3 साल तक एक पर्टिकुलर ये सर्विस हम आपको ही देंगे, उसके बदले में हमको अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं। जैसे कोई मैनेजर वगैरह है या कोई साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई किया और उनको वहाँ पे 2 या 3 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि यस फॉर 2 और 3 ईयर्स हम ये जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे या हम इस रिसर्च में आपका पूरा साथ देंगे, उसके बदले में उनको पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन भी मिलता है, तो ऐसे एग्रीमेंट सर्विस एग्रीमेंट होते हैं और ये वैलिड होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो इसमें, ट्रेड कॉम्बिनेशंस। ट्रेड कॉम्बिनेशंस नाम सुना है? ट्रेड कॉम्बिनेशन किसने सुना है? ट्रेड कॉम्बिनेशन नो मैम नहीं, वो कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाए गए, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप या कमिटी जिनको पब्लिक को ध्यान में रख के बनाया गया है कि जो पब्लिक जो कंज्यूमर्स है उनके साथ गलत ना हो। जैसे एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है बिजनेस के लिए, तो ऐसे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह है ऐसे, एक सेकंड, तो ऐसे जो कमिटीज या कॉम बनी है जो दूसरों को ट्रेड करने से रोकती हैं, वो भी पब्लिक के हित में कि कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत नहीं है, तो वैसे जो कमिटीज या बने हुए हैं, जैसे इसका कॉमन एग्जांपल ऐसे समझो ना, जैसे पंचायत वगैरह नहीं होती अपनी कम्युनिटी या एरिया की या एक पर्टिकुलर, तो उसमें क्या होता है कुछ डिसीजन लिए जाते हैं और उनको मना किया जाता है कि नहीं तुम ये काम मत करो क्योंकि वो किसी के भले के लिए नहीं है या उसको रोका जाता है, तो वो सब वैलिड होती है ना, तो वैसे ही कॉम्बिनेशन बिजनेस वगैरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और सामने वाले को बाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रेड कॉम्बिनेशन के अलावा उसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा एक्सक्लूसिव एजेंसी एग्रीमेंट। एजेंसी लेता है कोई सामने वाला तो बाइंड हो जाता है ना उसके साथ कि तुम किसी और से अब ये एजेंसी नहीं लोगे अगर तुमने मुझसे लिए तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वैलिड होते हैं। फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। डीलिंग कैसे होगी, सपोज एक फर्म है वो कॉटन मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसने एक प्रोड्यूसर के साथ या डील की कि तुम जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हो या जितना भी तुम टेक्सटाइल बना रहे हो वो तुम मेरे फर्म को ही सेल करोगे इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वो भी रेडी हो जाता है, तो ऐसे जो डीलिंग एग्रीमेंट्स होते हैं एक्सक्लूसिव,
तो ये सब क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में इतना ही था।